students welcome to the class in this worksheet number 26 we'll talk about the applications of distance formula i hope all of you know how to apply the distance formula now the boy and girls are talking here uh, boy is saying can we apply distance formula yes distance formula can be applied for any number of points okay so in this worksheet we'll apply the distance formula for any number of points before that let us recall the distance between two points पी एक्स वाई इन क्यू एक्स टू वाई टू इज गिवन बाई रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर एंड द डिटेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दरिजिन जीरो जीरो इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर यह आपने पिछली वर्कशीट में किया था नाउ केस वन हम लेते हैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंट टू द पॉइंट ए एंड बी ये पॉइंट ए है आपका ये पॉइंट बी है हमें कोई पॉइंट लेना है एक्स एक्सेस पर तो एक्स एक्सेस पर पॉइंट कैसे होते हैं जहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट जो होता है वो ज़ीरो होता है तो सी आपका एक्स ज़ीरो होगा नाउ हो सी डिस्टेंस और सी बी डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए तभी हम बोलेंगे वो इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से इट मीन्स ए सी शुड बी इक्वल टू बी सी ठीक है सी की लोकेशन इस तरीके से अब ए सी निकालने के लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा ठीक है आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आता है तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं रह गया कैसे अप्लाई करेंगे ए सी करना है तो एक्स माइनस माइनस टू एक्स माइनस माइनस टू क्या होगा एक्स माइनस माइनस टू क्या होगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस माइनस टू का स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर फिर दूसरा होगा आपका ज़ीरो माइनस फाइव स्क्वायर तो ये आपकी चीज आ जाएगी रूट में हमने यहां पे फार्मूला अप्लाई कर दिया डिस्टेंस फार्मूला ए और सी का ठीक है अब हम लेते हैं बी सी डिस्टेंस को निकालते हैं बी सी डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे एक्स माइनस टू स्क्वायर ये हो गया फिर जीरो माइनस माइनस थ्री जीरो माइनस माइनस थ्री वो क्या हो जाएगा जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर ठीक है तो ये चीज समझ आ गई ये स्टेप और रूट जो होता है ये आपका डिस्टेंस फार्मूले का होता है कि रूट ऑफ ये सारी चीज़ हम अप्लाई करते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के प्रोसेस में क्या होता है कुछ बच्चे यहाँ पे रूट को कैंसिल नहीं करते आपको ये चीज़ लर्न करनी होगी कि सीधा आप रूट को कैंसिल कर दें ठीक है रूट को आप कैंसिल कर दोगे तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा तो इसके लिए हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ये जो साइड है इसमें अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हो तो स्क्वायर करने से ये जो स्क्वायर रूट है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ठीक है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर साइन गेट कैंसर्ड स्क्वायर रूट जो है ये हट जाता है आपका तो अब आपके पास सिर्फ ये चीज़ रह गई बिना स्क्वायर रूट के अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर वो बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे जिनको एक्स प्लस टू होल्स पर खोलना नहीं आता आप इसको ध्यान दो कैसे ओपन करते हैं एक्स का स्क्वायर यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर आ जाता है अब बीच वाली टर्म आती है टू इंटू टू इंटू एक्स वो आपका हो जाता है फोर एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ये आ जाता है और यहाँ पे जीरो माइनस फाइव क्या होगा माइनस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव आपका क्या, क्या होता है जब दो माइनस के नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो प्लस में आंसर आ जाता है ये आ गया आपका ट्वेंटी फाइव तो ये सारी टर्म आपकी आ गई है ठीक है अब दूसरे साइड की हम टर्म देखते हैं जिन बच्चों को अभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम है अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है अब जैसे ये x माइनस टू का स्क्वायर है इसको ओपन करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर खोलोगे तो फोर हो जाएगा अब हो जाएगा टू इंटू टू इंटू एक्स ठीक है और माइनस के साइन को भी आप ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स आ गया ये चीज़ आ गई और ये जीरो प्लस थ्री आपका हो जाएगा थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन तो ये चीज़ आ गई ठीक है अब हमने सारे स्क्वायर्स ओपन करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला कर दिया अब सिंपल एडिशन रह गया आपका और सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको तो अब आप क्या करोगे सिमिलर टर्म्स को एक जगह लेकर जाओगे तो आप देखोगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा आपके पास बस ये चीज़ें बचेंगी फोर एक्स प्लस फोर एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस सिक्सटीन और x की वैल्यू एट नीचे आ जाएगा माइनस सिक्सटीन अपॉन एट एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अब c को आपने नोटिस किया था ये ये था तो आप x की जगह लिख देंगे माइनस टू जीरो सी पॉइंट ही हो जाएगा ठीक है ये सॉल्विंग पार्ट आप कर सकते हो ना तो सॉल्विंग में सिर्फ समझना इतना ही था कि स्क्वायर रूट को कैसे कैंसिल करना है उसके बाद आपको ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए नाउ एग्जांपल नंबर टू हम लेते हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जीरो सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री सेवन एंड फाइव फोर तो आपके पास दो पॉइंट है थ्री सेवन और फाइव फोर अब आपको पॉइंट इस तरीके से लेना है वो इक्वी डिस्टेंट है इससे तो वो पॉइंट आपका है सपोज हमने उसको पी मान लिया पी एक्स वाई है ठीक है इस पॉइंट को अगर आप एम मान रहे हो और अगले पॉइंट को आप एन मान रहे हो तो ये आपका हो जाएगा पी एम इक्वल टू पी एन क्योंकि आपको इक्वी डिस्टेंट लेना है सो तो आप फर्स्ट थिंग कंडीशन लिख लोगे पी एम इक्वल टू पी एन जैसे यहाँ पर किया था इक्वी डिस्टेंस क्लियर अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम अप्लाई करने के अंदर आप अगर पी एम कर रहे हो पी एम तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री स्क्वायर यह एक्स माइनस थ्री हो गया या आप इसको थ्री माइनस एक्स भी लिख सकते हो थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अगला हो जाएगा सेवन माइनस वाई का स्क्वायर ठीक है और रूट में होगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ऐसे ही होता है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर ठीक है ये रूट आ गया अब दूसरी चीज़ देखिए पीएन पी एन आपका क्या होगा फाइव माइनस एक्स इसके बीच वाली चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई का स्क्वायर ये चीज़ आ गई फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर फोर माइनस वाई का स्क्वायर अब वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर वन में किया था स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड में कैंसिलिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स कैसे कैंसिल होता है बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड दोनों साइड का स्क्वायर करोगे ये यूक्लिड थ्योरम से हम दोनों साइड में एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ना क्लास नाइन्थ में आपने यूक्लिड्स पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो अब आपके पास ये चीज़ आ गई थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर और सेवन माइनस वाई का स्क्वायर इसको ओपन करते हैं अब हम थ्री माइनस एक्स स्क्वायर को पहले करते हैं तो वो आपका आ जाएगा नाइन स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बीच वाली टर्म कैसे कि टू इंटू एक्स इंटू थ्री माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है ठीक है ऐसे ही सेवन माइनस वाई होल स्क्वायर को खोलोगे तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन वाई का स्क्वायर वाई अब बीच वाली टर्म जो टर्म है आपकी टू इंटू वाई इंटू सेवन ये तुम्हारी हो जाएगी माइनस फोर्टीन वाई ठीक है माइनस फोर्टीन वाई अब इसको आपको ऐड कर लेना है क्योंकि बीच में ये प्लस है देखो कोई सिमिलर चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसमें आप एक्सक्वायर जैसा कोई टर्म नहीं है सिंगल एक्सक्वायर है तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा वाई स्क्वायर में कुछ ऐड नहीं होगा ये एक्स की टर्म है या फोर्टीन वाई टर्म है डिसिमिलर टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते सिर्फ फोर्टी नाइन और नाइन ही आपके ऐड होंगे ठीक है फोर्टी नाइन और नाइन को आप ऐड करके फिफ्टी एट आ जाएगा जैसे इस तरफ में ओके सो so, अब हम दूसरे साइड को देखते हैं राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जो आपका है वो है फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर अब मैं ये समझ पा रही हूँ कि बच्चों को ये चीज़ ओपन करनी आ गई हो गई तो आप देख सकते हो फाइव के स्क्वायर से ट्वेंटी फाइव आ जाएगा बीच वाली टर्म माइनस टेन एक्स आ जाएगी और एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह फोर से आ जाएगा सिक्सटीन बीच वाली टर्म टू इंटू वाई इंटू फोर माइनस एट वाई हो जाएगी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ओके अब आपको इसको सिमिलर टर्म्स को एक जगह लेकर आना है और इसको सॉल्व करना है तो आप देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म्स दोनों साइड में आ रही है कैंसिल हो जाएंगी वाई स्क्वायर की टर्म्स दोनों जगह आ रही है कैंसिल हो जाएंगी और एक्स के साथ में एक्स वाली टर्म्स लेके आ जाओ जैसे टेन एक्स इधर आके प्लस टेन एक्स हो जाएगा ये माइनस एट वाई इधर आके प्लस एट वाई हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ टर्म्स एक्स की कुछ टर्म वाइज की और एक सिंपल नंबर रह जाएगा जो कि आपका हो जाएगा ये फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू सिक्सटीन ये चीज़ रह जाएगी सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट दिस पॉइंट इज इक्वी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं केस नंबर टू है कोलिनियर और ट्राइंगल कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है तीन पॉइंट्स ए बी सी को हम कोलिनियर तब बोलते हैं अगर जैसे एक ही लाइन पर वो लाइक करें अब एक ही लाइन पे लाइक करने का मतलब है ए से बी तक का डिस्टेंस इसमें बी से सी तक का डिस्टेंस मिलाए तो ए सी डिस्टेंस बने ठीक है तो अब इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर फॉलो हो रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन इसी तरीके से थ्री पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल तीन पॉइंट्स तभी भी ट्राइंगल बनाएंगे आपको तीन पॉइंट्स दे दिए जाए ए बी सी और पूछा जाए कि क्या ये ट्राइंगल बना सकते हैं तो आप ये ए बी डिस्टेंस निकालना आप बी सी डिस्टेंस निकालना इन दोनों को ऐड करना अगर वो ए सी से ज़्यादा आ रहा है तो ये ट्रायंगल बन सकता है या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी सी डिस्टेंस लें और ए सी डिस्टेंस लें इन दोनों को ऐड करें तो वो ए बी से ज़्यादा आना चाहिए ये थर्ड कंडीशन या तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि हम लोग ए बी लें और ए सी डिस्टेंस निकालें इन दोनों को जब हम ऐड करें इन डिस्टेंसेस को तो वो बी सी से ज़्यादा आना चाहिए अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस रह जाती है तो वो ट्राएंगल नहीं बन सकता तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इस क्वेश्चन को भी हमने क्लास सेवन्थ में किया है वहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन होते थे डिस्टेंसेज गिवन होते थे और आपसे पूछा जाता था इज़ ट्राइंगल पॉसिबल तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पर डिफरेंस अब क्या हो गया आपको डिस्टेंस निकालना होगा ठीक है ओके okay. अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री में फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल यानी यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा लेकिन कौन सा बनेगा आपको ये बताना है पॉइंट पी गिवन है टी गिवन है और क्यू गिवन है हमारे पास पी टी एंड क्यू गिवन है आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल बनाना है तो जैसे हम पी टी डिस्टेंस निकाल सकते हैं पी टी डिस्टेंस को देखते हैं कैसे होगा पी जो है आपको दिया 2 -5, है टू माइनस फाइव ये पी है टू माइनस फाइव ठीक है और टी क्या है थ्री ज़ीरो तो अब आप इसको देखिए कैसे होगा आप इसको लिखोगे थ्री माइनस टू का स्क्वायर ये हो गया थ्री माइनस टू का स्क्वायर फिर आप लिखोगे ज़ीरो माइनस माइनस फाइव ये माइनस फाइव दे रेखा जीरो माइनस माइनस फाइव तो हो जाएगा जीरो प्लस फाइव का स्क्वायर समझ आया कैसे हम इसको मेंटली कर पा रहे हैं तो अब आपका थ्री माइनस टू क्या हुआ वन वन का स्क्वायर और जीरो प्लस फाइव हुआ फाइव का स्क्वायर तो ये आपका आ गया वन प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स रूट ट्वेंटी सिक्स आ गया इसको यही छोड़ दो रूट ट्वेंटी सिक्स को ओके okay? अब हम डिस्टेंस निकालते हैं टी क्यू तो टी क्यू के पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं तो आपका डिस्टेंस निकालना होगा तो माइनस सिक्स माइनस थ्री रूट में और स्क्वायर और माइनस वन माइनस ज़ीरो ये चीज़ आ जाएगी इसको जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस नाइन हो जाएगा ये सब रूट में ही चलेगा माइनस नाइन का स्क्वायर और ये तुम्हारा माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर आ जाएगा एट्टी वन और ये हो जाएगा वन ये सारा रूट में रहेगा तो रूट एट्टी टू इस तरीके से आ जाएगा ये आपका रूट एट्टी टू हो गया यहाँ पर इसने रूट को सॉल्व भी कर रखा है उसकी ज़रूरत नहीं है हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं अब क्यू पी देखिए क्यू पी के अंदर क्या होगा माइनस सिक्स माइनस टू ठीक है माइनस वन माइनस माइनस फाइव तो ये आपका हो जाएगा माइनस एट नेक्स्ट स्टेप में माइनस एट का स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव होगा ये तो माइनस वन प्लस फाइव आपका क्या होता है फोर तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा फोर का स्क्वायर ओके फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा एट का स्क्वायर होगा सिक्सटी फोर और फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा एट्टी रूट एट्टीन तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के आंसर्स जो आए हैं तीनों ही लेंथ अलग है एक जगह रूट ट्वेंटी सिक्स आया है एक जगह रूट एट्टी टू आया है एक जगह रूट एट्टी आया तीनों ही लेंथ अलग है तो ये जो ट्राइंगल है ये आपका स्केल इन ट्राइंगल होगा ओके okay? अब हम फोर पॉइंट्स को भी देख लेते हैं अगर हमारे पास फोर पॉइंट्स हैं और आपने इनके डिस्टेंसेज निकाले जैसे ये है ए बी सी डी आपने ए बी निकाल दिया डिस्टेंस फार्मूले से बी सी निकाल दिया डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सी डी निकाल दिया डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल दिया इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं अब अगर चारों लेंथ इक्वल आई तो आप बोलोगे कि ये एक स्क्वायर है लेकिन एक चीज़ और है कि चारों लेंथ तो हमारी रोम्बस में भी इक्वल होती हैं आप ये देख रहे हो रोम्बस में भी इक्वल है लेकिन क्या डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आप डाइगनल की लेंथ भी निकालना ए सी बी डी भी निकालना जहाँ ए सी बी डी दोनों इक्वल हो वो आपका होगा स्क्वायर और जहाँ ए सी और बी डी की लेंथ इक्वल नहीं हो वो होगा रोम्बस ठीक है तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस लो आप उनकी लेंथ निकालना चारों लेंथ इक्वल फिर आप ये निकाल के देखना इसके डायगनल डाएगनल डायगनल इक्वल टू तो स्क्वायर डायगनल नॉट इक्वल टू तो रोम्बस इसी तरीके से अगर आप ऐसा आ जाए अपोजिट साइड इक्वल आ जाए जैसे ये अपोजिट साइड इक्वल है यहाँ पर और ये वाली साइड इक्वल है यहाँ पर तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल होता है लेकिन रेक्टेंगल तब बनेगा जब ए सी इक्वल टू बी डी ओ यानी ये लेंथ आप निकालोगे डाइगनल की ये लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर ये इक्वल आ रहा है तो रेक्टेंगल होगा अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो ये पैरेललोग्राम होगा ओके okay? और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में ज़रूर आता है चार पॉइंट्स वाला तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन है डिटमाइंड इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिन तो इसको अगर हम ए मान लें इसको बी मान लें इसको सी मान लें तो ए बी यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना बी सी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना और ए सी में डिस्टेंस फॉमूला अप्लाई करना अब आपको आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना अगर आपकी ये कंडीशन बन जाए ए बी में बी सी एड करके अगर ए सी बन गया तो हम बोलेंगे भाई ये पॉइंट्स को लीनियर है, ओके okay? तो अब हम इसको देखते हैं ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर हमने ए बी डिस्टेंस निकाला है आप देख रहे हो ये ए बी डिस्टेंस है इन दोनों में हमने अप्लाई कर दिया ए बी ज़ीरो माइनस माइनस फोर ये लिखा हुआ ज़ीरो माइनस माइनस फोर का स्क्वायर फिर थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा जीरो प्लस फोर का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस जीरो रूट सिक्सटीन उसको सॉल्व करोगे तो फोर्टीन इसी तरीके से हमने बी सी निकाल रखा है बी सी की वैल्यू इसी तरीके से हमने ए सी निकाल रखा है तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी फोर है बी सी टू है ए सी सिक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड और दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो हम बोलेंगे ए बी एंड सी आर को लीनियर ये भी पेपर में कई बार आ जाता है कि प्रूव करें पॉइंट को लीनियर इसके हमारे पास टू मेथड्स हैं एक मेथड आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके है और एक मेथड आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये पॉइंट है और एक्सिस है इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप ये देखो ये मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा है ये पॉइंट है और ये एक्सिस है अब यहाँ पे मोस्टली होता क्या है कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि एक्सिस वाला जो है यही डिस्टेंस होगा रूट माइनस रूट एट जबकि ऐसा नहीं आप ये देखो कि इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस एक्स एक्सेस से डिस्टेंस किससे पता चल रहा है इस लाइन से पता चल रहा है ये जो लाइन है इससे पता चल रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है इसको देखो ये एक दो तीन चार पांच है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस इज फाइव यूनिट्स पांच इकाई डिस्टेंस है आपका ठीक है क्लियर हो गया ना मिस्टेक से हम लोग इसको माइनस एट कर जाते हैं जब हम ज़्यादा थोड़ा सोचते नहीं है तो उसको हम माइनस एट कर देते हैं ओके okay? तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बता रही थी आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फाइंड द टाइप ऑफ द कॉर्डिलेटर किस तरह का कॉर्डिलेटर मिलेगा अगर ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी ये सी है ये डी है तो आप क्या करोगे ए बी डिस्टेंस निकालोगे बी सी डिस्टेंस निकालोगे सी डी निकालोगे और ए डी निकालोगे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कैसी कैसी कंडीशंस फॉलो होती है तो यहाँ हमने ए बी डिस्टेंस फॉर्मोला निकाल रखा है आप देख रहे हो डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई कर दिया ए और बी के अंदर ये पूरा सॉल्ड है बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा तो रूट एटीन आया रूट एटीन को ले सकते हैं टू इंटू नाइन और ये जो रूट नाइन होता है ये आपका एक्चुअली होता क्या है थ्री इंटू थ्री तो ये आपका थ्री बाहर आ जाएगा थ्री रूट टू रह जाएगा ठीक है और यहाँ पर क्या क्या था माइनस सिक्स माइनस माइनस नाइन ये वाली जो लाइन है माइनस सिक्स माइनस माइनस नाइन ये नेक्स्ट स्टेप में जाके माइनस सिक्स प्लस नाइन हो गई यहाँ पर फोर माइनस वन अप्प्लाई किया थ्री ठीक है इसके विषय में अब मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल है और ये सब बच्चे मोस्टली इसको अब समझ चुके हैं ठीक है अब आगे चलते हैं ये हमने बी सी निकाला है बी सी निकाल रहे तो हम देख रहे हैं रूट फोर्टी आ रहा है फोर्टी को हम लिख सकते हैं फोर इंटू टेन इस फोर से टू बाहर आ जाएगा और ये रूट टेन टेन इसी में रह जाएगा तो आप किसी तरीके से इसका फैक्टराइजेशन कीजिए टू रूट टेन इसकी आंसर आ जाएगी ओके फिर आप सी डी देखिए सी डी हमने लेंथ निकाली है वो थ्री रूट टू आया है नेक्स्ट देखिए ए डी निकाला है वो टू रूट टेन आया तो हमने ये देखा ए बी और सी डी दोनों टू रूट नाइन आए हैं और बी सी और ए डी दोनों टू रूट टेन आए हैं तो हमने देखा था कि जब ऐसा हो तो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ रही हैं तो ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है या सिर्फ पैरेललोग्राम हो सकता है अगर इसकी रेक्टेंगल की ये लेंथ इक्वल आ जाएंगी तो ये रेक्टेंगल होगा अगर इक्वल नहीं आ रही तो ये एक आपका पैरेललोग्राम होगा सिंपल तो हम चेक करते हैं हमने ए सी निकाला तो ए सी हम कैसे निकालते हैं ए सी हम ऐसे निकालेंगे ए वाला पॉइंट लेंगे और सी वाला पॉइंट लेंगे ए और सी को लेके इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसी तरह बी डी के लिए बी पॉइंट लिया डी पॉइंट लिया यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें जैसे और डिस्टेंसेज हमने निकाले ठीक है तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये रूट एटी टू आता है ये रूट थर्टी फोर आता है तो आप देख रहे हो सिंस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो दिस फिगर इज़ अ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वारिलेटर किस टाइप का है क्वारडिलेल इजा पैरले ग्रैम ये एक पैरेललोग्राम है तो आज की वीडियो से बच्चों आपने ये देखा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए जैसे आप इसके पांच छह क्वेश्चंस करते हो तो आप मेंटली कर पाते हो एक एक स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं होती सीधा ये अप्लाई हो रहा है सिर्फ आपको ये अगर माइंड में याद है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर ठीक है जितना प्रैक्टिस हम मैथमेटिक्स में करते हैं उतनी ही हमें वो चीज़ें फास्ट करनी आ जाती है विदाउट एरर हो जाती है तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होती है आपने देखा डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने कई तरह के क्वेश्चन किए एक आपने कोलिनियर पॉइंट सॉल्व करना सीखा एक आपने ट्राइंगल का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया था वरना एक ट्राइंगल की चीज़ भी हम कर सकते हैं और तीसरी चीज़ आपने देखी कि हम लोग टाइप ऑफ कॉर्डिलेटर भी करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अक्सर एक एग्जाम में आते हैं ठीक है इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आज के लिए इतना ही ओके बाय बाय थैंक यू